दोस्तों तमिलनाडु वुमेन्स वर्सेस छत्तीसगढ़ ब्लू वुमेन्स के बीच होने वाला है आज का दिन का मैच। पहला मैच छत्तीसगढ़ वुमेन्स T20 का। इन डेप्थ आपको कवरेज मिलेंगे वीडियो में दोनों ही टीम के बारे में, ताकि आप बढ़िया से स्मॉल लीग और दोस्तों ग्रैंड लीग के कम्बिनेशन क्रिएट कर पाओ। दोस्तों इसके बाद जो सेकेंड मैच होगा आज का दिन का, उसका मैं डेमो टीम प्रोवाइड करूंगा और हम लोग आगे जाके हम लोग कवर करेंगे ECC T10 जो थर्सडे से स्टार्ट होगा, एंड आपको मिलने वाला है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का भी कवरेज इसी चैनल पे। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे न्यू हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना और टेलीग्राम जुड़ जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक एडेड है टेलीग्राम चैनल का। अब आते हैं इस मैच के एनालिसिस में। शाहिद वी नारायण स्टेडियम पे होगा मैच, इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर। 120-130 एवरेज स्कोर। स्पेशली स्टेट की कोई अच्छी बैटर कुमुद शाह हुआ, मिता पॉल जैसे प्लेयर्स अगर खेलती है तो रन बनेंगी, अदरवाइज रन ज़्यादा यहाँ पे बन नहीं रहे फिलहाल। अगर आप देखोगे सीरीज में अब तक बैट फर्स्ट ने ज़्यादा विन किया, थोड़ा स्लो पीछे, स्पिनर्स फ्रेंडली पीछे, बट यहाँ पे दोस्तों जो स्टेट की बॉलर्स है वो बहुत ज़रूरी है उनके इर्द गिर्द टीम बनाना। तमिलनाडु ओमेन, इन्होंने दो मैच हारा और एक मैच जीता है दोस्त, दो मैच जीता है एक मैच हारा है तीन मैच खेलते हुए, और फिलहाल लीग टेबल में नंबर टू में दोस्तों विराज कर रहे हैं। इनसे आरशी ओपन विंग सुशांतिका फिर थिरुषि कमिनी होगा, सरी कसूरी कुछ ऐसा होगा दोस्तों प्रोबेबल बैटिंग ऑर्डर। ये टीम से ध्यान दो, आरशी चौधरी जिन्होंने लास्ट मैच में दो ओवर पार्ट टाइम किया, अगले उसके आगे वाला मैच में 4 रन, उसके आगे वाले मैच में 70, एक ही मैच में बैटिंग से चली है, बेसिकली पार्ट टाइम बॉलर है, स्टेट के लिए डोमेस्टिक खेलती है, फिलहाल मस्ट पिक नहीं रहेंगी क्योंकि बेसिक जो मेन काम है इनका वो है बैटिंग के परफॉर्मेंस। सुशांतिका बॉलिंग नहीं किया था तो फिलहाल दोस्तों मैं अपनी टीम में खास ऑप्शन इनको नहीं मानता हूँ, शायद मैं ऐड ना करूँ सुशांतिका, अगर बॉलिंग करती मैं बात अलग, और इनका करियर में मतलब डोमेस्टिक में बॉलिंग से रिकॉर्ड है, बट जो आरशी है ना उनका बॉलिंग से रिकॉर्ड नहीं है, बट आरशी ने बॉलिंग किया लास्ट मैच में और सुशांतिका ने अब तक किया नहीं है बॉलिंग, तो फिलहाल नहीं लेंगे सुशांतिका। थिरुषि कमिनी इस टीम का बेस्ट प्लेयर, इंडिया के लिए भी खेल चुकी है इंटरनेशनल, आप ऐड कर सकते हो इफ यू वांट, अच्छी डिफेंशियल बन सकती है आपके लिए थिरुषि। यहाँ पे अगर देखोगे योगाश्री, अगर देखते हो कसूरी 14 रन बनाया लास्ट मैच में, फिलहाल नहीं लूंगा, प्योर बैटर है। अनुषा सुंदरसन बैट बॉल दोनों से वैल्यू दे रही है दोस्तों, हर मैच में 4 ओवर डाला है अप पार्ट ऑफ लास्ट मैच जहाँ पे इन्होंने 2 ओवर डाला था, ठीक है। क्या करना है दोस्तों टीम में, यस अपनी टीम में इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और ऐड क्या कर सकते हैं क्या मस्ट पिक है, कैप बी सी भी इफ यू वन बना सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस। अगर आप देखोगे ऐश्वर्या मुरुगेसन 35 रन एक ओवर में एक विकेट लास्ट मैच में, उसके आगे वाले मैच में 24, बेसिकली बैटिंग करती है वो भी मिडल ओवर में आफ्टर पावर प्ले, तो फिलहाल मैं प्रेफर नहीं करूंगा बॉलिंग पार्ट टाइम किया एक ओवर लास्ट मैच में, बट डोमेस्टिक ओडीआई वगैरह में इनका रिकॉर्ड है बॉलिंग से, इफ़ यू वांट यूज़ कर सकते हो। पवित्रा श्रीधारन इग्नोर करेंगे फिलहाल के लिए, स्टेट की प्लेयर है बट बैटिंग से वैल्यू देंगी, प्योर बैटर नहीं लेंगे। अक्षरा श्रीनिवासन ये है बहुत ज़रूरी प्लेयर जो आपको लास्ट मैच में 3 ओवर में विकेटलेस, बट उससे पहले ना 3 ओवर 1 विकेट 4 ओवर में 3 विकेट अच्छी बॉलिंग डाल रही थी, मेरे हिसाब से सेफ ऑप्शन है, टीम में रख लेंगे। लास्ट दोनों मैच में 3-3 ओवर डाला तो फिलहाल कैप भी सी नहीं बनाऊंगा, बट यस टीम में मैं रख लूंगा। कीर्थना मस्ट बी प्लेयर, कैप बी सी बना सकते हो, लास्ट मैच में तो बैटिंग से वैल्यू दिया बट क्यों बना सकते हो, वुमेन्स IPL खेल चुकी है, स्पिनर है, मस्ट बी प्लेयर होनी चाहिए SB कीर्थना। रमेश शरी यार क्या ही परफॉर्मेंस है इनका, लास्ट मैच में 2 विकेट उसके आगे वाले मैच में 3 विकेट, मस्ट बी प्लेयर होनी चाहिए ये। सारथी प्रिया राइट हैंडेड बैट ऑफ स्पिन बॉलिंग, पहला 2 मैच में 4-4 ओवर, लास्ट मैच में 2 ओवर यूज़ कर सकते हो, आइडियली बॉलिंग करनी चाहिए, स्टेट में खेलती है स्टेट के लिए और स्टेट में बॉलिंग भी करती है, ऐड कर सकते हो दोस्तों, स्पेशली अगर आप ये टीम ने बॉलिंग फर्स्ट किया, मुझे लगता है ये टीम स्लाइडली बेटर हो जाएगा तब तो जरूरी। ओपनिंग बॉलिंग एस अनुषा श्रीनिवासन सारथी, डेथ में अनुषा श्रीनिवासन कीर्थना करते हुए आपको दिखेंगे इस टीम से बॉलिंग। अगर आप देखोगे अनुषा इनका ओवर पहला 1-3 लास्ट मैच में, पहला और तीसरा ओवर उसके आगे वाले मैच में 17 and 19 ओवर भी डाली है, अच्छी प्लेयर है दोस्तों, लास्ट मैच में ओपनिंग चेज कर गया तो इसके लिए इनका ओवर कंप्लीट नहीं हुआ, बॉल फर्स्ट जरूर ओवर कंप्लीट करेंगे। श्रीनिवासन का भी सेम है, 3 पावर प्ले में डालती है बट ये डेथ में कर सकती है। सारथी प्रिया बेसिकली पावर प्ले एंड मिडल ओवर। रामेश्वरी ने अच्छा किया लास्ट मैच में बॉलिंग, उसके आगे वाले मैच में भी बहुत ज़रूरी ऑप्शन है ये दोस्तों। नंबर फोवर्स देखो कीर्थना मस्ट पिक है, मिल ओवर की बॉलर, आरशी ने पिटाई हो गया मुरुगेसन।
बेंच में जो प्लेयर बैठे हुए एल नेथरा खेलती है तो पार्ट टाइम बॉलिंग डाल सकती है, एक मैच में बॉलिंग किया एक मैच में नहीं किया। इलोक्षी अरुण फिलहाल से बैटिंग कर रही है तो नहीं लूंगा। सबरीना शिवा प्रिया वगैरह इग्नोर करते हैं। निदा रहमान खेलते तो अच्छी चॉइस। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्ट्रेट खेल चुके हैं। त्रिशा मधु वंशी बनू स्ट्रेट खेल चुकी है ये भी, बट फिलहाल डोमेस्टिक ओडीआई में परफॉर्मेंस है, अच्छी प्लेयर है, ऐड कर सकते हैं। आते हैं छत्तीसगढ़ ब्लू ओमेंस की तरफ। विन विन लॉस ये टीम ठीक ठाक, ये ना छत्तीसगढ़ का स्टेट टीम जो है ना उसके ज़्यादा से प्लेयर्स है इसमें। मंजिरी गवाडे, उपेन ऐश्वर्या सिंह, कृति गुप्ता, सृष्टि शर्मा, मनप्रीत कौर गिल होगा बैटिंग ऑर्डर। ये टीम से देखोगे तो मंजिरी गवाडे दोस्तों लास्ट मैच में एक ओवर में एक विकेट बट बैटिंग से 34 रन, उससे पहले 44-19, मतलब बैट या फिर बॉल कहीं ना कहीं से वैल्यू दे रही है। और स्टेट में भी देखोगे तो पार्ट टाइम बॉलिंग डाल सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकती है बट कम करती है, बेसिकली बैटर है। ऐश्वर्या सिंह प्रेफर नहीं करूंगा दोस्तों। कृति गुप्ता मस्ट बी प्लेयर है, 3-4 ओवर डाल रही है, बैटिंग से भी वैल्यू दे सकती है, एक 65 का नॉक भी था, अच्छा चॉइस है दोस्तों, ऐड करना चाहिए। सृष्टि शर्मा 41-20-3 फिलहाल प्योर बैटर, मिडल ओवर में बैटिंग करेंगी शायद, मैं ना ही लूँ क्योंकि दोनों टीमें स्ट्रांग है, दोनों का बॉलिंग यूनिट ही दोस्तों अच्छा खासा स्ट्रांग टीम है। यहाँ पे देखोगे तो सलोनी डोंगारे अच्छी ऑप्शन है, लास्ट मैच में 4 ओवर में 2, उससे पहले 3-1, 4-1, मस्ट बी प्लेयर होना चाहिए, लेग स्पिन बॉलर। ऋषि भारती इग्नोर करेंगे दोस्तों। प्रांशु धनसन देखो ये ना इनका भी डोमेस्टिक में रिकॉर्ड अच्छा ही है, स्टेट डोमेस्टिक ओडीआई में देखो ना यहाँ पे 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 21-0 1-1, बट इस सीरीज में फॉर्म भी नहीं दिखी है दोस्तों, तो शायद मैं ना लूँ बट अच्छी डिफेंशियल बन सकती है आपके लिए। पल्लवी वर्मा 1-0-1, 4 ओवर 2 विकेट, ठीक ठाक ऑप्शन। स्टेट डोमेस्टिक ओडीआई ये भी खेल चुकी है बट लास्ट मैच में सिर्फ 1 ही ओवर डाला, उसके आगे वाले मैच में 4 ओवर डाल के रखी है दोस्तों, तो इफ यू वांट रख सकते हो बट मस्ट पिक नहीं है, बॉल फर्स्ट ट्राई करना। रितु मिश्रम 4 ओवर 1 विकेट 2 ओवर 1 विकेट 4 ओवर 2 विकेट दोस्तों, आप ना टेलीग्राम पे जाकर ना एक चीज़ देखना, मैंने लास्ट मैच में जो टीम आपको प्रोवाइड किया ना, दो टीम उनमें से एक टीम, टीम वन दोस्तों ग्रैंड लीग में 3 रैंक आया, तो दोस्तों यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो मैचेस है, जैसे कि इस मैच में आप मान के चलो पल्लवी वर्मा एक मैच में 4 ओवर में 2 विकेट निकाला, अगला मैच में क्या कसूर हो गया, 1 ही ओवर मिला इनको, हो सकता है 1 ओवर थोड़ा ज़्यादा रन कंसीड कर गया, बट यही तो प्रॉब्लम है और इसी को कैश करना है, मतलब एक टीम में रखो और एक टीम में ड्रॉप करो ऐसे प्लेयर्स को जिसको आपको लग रहा है कि ओवर डालने के चांसेस 100% नहीं है, ठीक है। ये एक आपके लिए एक अच्छा रोटेशन पॉलिसी साबित हो सकता है, क्योंकि आपको आप अगर ऐसा नहीं करोगे, आप इधर 2 टीम में ले लेते हो अगर आप एक भी टीम में नहीं लेते हो, तो ये आपके लिए 50-50 कॉल हो जाएगा, बॉलिंग ही नहीं करेगा तो क्या विकेट लेगा। रितु मिश्रम ये जैसे कि हर मैच में बॉलिंग डाल रही है, विकेट भी है, सेव भी है, पब्लिक भी लिया है, तो इसको बोथ टीम में रख लेना। उर्मिला हरीना बोथ टीम में रख लेना, 3-4 ओवर डाल रही है, विकेट भी निकाली है। अपनी वाली प्रांशु डंगोरे उर्मिला, डेथ में उर्मिला डंगोरे और रितु करते हुए दिखेंगी, ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन चेकआउट कर सकते हो। 19th ओवर डंगोरे ने डाला, बहुत ज़रूरी ओवर होता है, विकेट टेकिंग ऑप्शन, और उर्मिला भी, दोनों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन, और यहाँ से रितु मेहरम मिश्रम जो भी नाम है ऐड करेंगे, कृति गुप्ता ऐड करेंगे। पल्ले भी एक डिफेंशियल है, पहला मैच में देखो 18th ओवर 16th ओवर कितना वाइटल नंबर ओवर डाला, अगर डाल दिए तो बढ़िया चॉइस हो सकती है, और ग्रैंड लीग में पांचू को यूज़ करना। बेंच में प्लेयर बैठे हुए डी साहू खेलती है तो बॉल कर सकती है, दीप्ति धीमा 2 ओवर विकेटलेस, बाकी प्लेयर्स के रिकॉर्ड। चलते हैं फटाफट से ड्रीम इलेवन टीम में दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते हुए जुड़ सकते हो, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों जो टीम बनेगा ना इस मैच में, विकी में ऑनेस्ट बताऊं तो कोई डेफिनेट चॉइस तो नहीं है, अगर आपको कोई विकेट कीपिंग से वैल्यू दे सकती है ऐसा लग रहा है तो ऐड कर सकते हैं हम लोग, बट फिलहाल नहीं है कोई भी डेफिनेट चॉइस। भारती ने सबसे ज़्यादा पॉइंट दिया, श्रीधरन ने कुछ नहीं किया, ऐड कर सकते हो दोस्तों। देखो भारती और श्रीधरन का बैटिंग ऑर्डर, ये रहा भारती, इनका बैटिंग ऑर्डर मिडल ऑर्डर, लोअर से दोस्तों टॉप ओवर, वहीं पे अगर श्रीधरन देखते हो दोस्तों इनका भी बैटिंग देखोगे तो एकदम नीचे। कौन सा टीम स्लाइटली आपको स्ट्रांग लग रहा है? तमिलनाडु वोमेन स्लाइटली स्ट्रांग लग रही है दोस्तों, तो तमिलनाडु से श्रीधरन को भी ऐड कर सकते हैं, नॉट अ बैड चॉइस, पर दोनों का ही परफॉर्मेंस कुछ खास दोस्तों नहीं है मैं मानता हूँ, क्योंकि बैटिंग से दोनों वैल्यू नहीं देंगे, देंगी तो वैल्यू बॉलिंग से देने वाली है, सॉरी फील्डिंग से देंगी सिर्फ। यहाँ से अगर देखोगे तो कमिनी ने अब तक ज़्यादा अच्छा किया नहीं है, तो शायद मैं अलॉट ना ही करूँ इनको, ना ही रखूँ, चंद्रशेखर नहीं रखूँगा। गवाडे ने लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला बॉलिंग से, बट इनका जेन्युइन काम है बैटिंग से वैल्यू देना, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देंगी, इफ़ यू वांट यूज़ कर सकते हो बट कंसिस्टेंट नहीं है। आरसी चौधरी इग्नोर करेंगे। कृति गुप्ता देखो ये बेस्ट चॉइस है इधर से, तो इनको तो रखना ही चाहिए आपको।
यहाँ पे देखेंगे तो मनप्रीत कौर गोल इग्नोर करेंगे, ये मुरुगेसन को इग्नोर करेंगे। डंगोरे सही चॉइस है, सिनिवासन सही चॉइस है, धानसन कुछ किया नहीं है अब तक ज़्यादा, बट डिफरेंशियल बना सकते हो। एस प्रियानंद ही मैं लेता हूँ स्टेट में, स्टेट की बॉलर है। सुंदरेशन फिर तो मेहरम दोस्तों, मिश्रम यू हरीना हमारे पास रहेंगी। कीर्ताना इम्पॉर्टेंट है, यस कीर्ताना इम्पॉर्टेंट है, आर के एन प्रसाद इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से पी वर्मा देखो ओवर का गारंटी नहीं है, तो आफ्टर टॉस ऐड करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे ना पब्लिक मुरुगेसन के साथ जा रहा है, ये इनको ले लेंगी पब्लिक, बट इनका ना बैटिंग से रोल ज़्यादा रहता है तो फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ। और मैं फिलहाल के लिए एक डिफेंशियल प्लेयर को ऐड कर रहा हूँ, गवाड़े, ठीक है। इसने वैल्यू दिया है दोस्तों, देखोगे तो 69 ड्रीम टीम, 59 ड्रीम टीम और 18 इनको, या फिर पी वर्मा अगर बॉल फर्स्ट होता है, नहीं पता पी वर्मा अगर बॉलिंग कर जाए ज़्यादा ओवर, लास्ट मैच में तो एक ही गया था, तो अच्छा डिफेंशियल बन सकते हैं। फिलहाल के लिए ये रहेगा टीम, देखो मेरा जो टीम बनेगा और इस टीम के साथ मेरा जो कैप्टनसी ऑप्शन बनेगा फिलहाल के लिए दोस्तों, वो कौन बनने वाले हैं। एक तो कृति गुप्ता हो गया सेफ ऑप्शन, क्योंकि बैट बॉल दोनों करा रही है, और दूसरा इनके साथ हम लोग सुंदरेशन को ऐड कर सकते हैं या श्रीनिवासन को ऐड कर सकते हैं, आपको आप किसी एक को ऐड कर लो, ठीक है। तो फिलहाल चलो मैं श्रीनिवासन के साथ ही जा रहा हूँ, सुंदरेशन भी अच्छी चॉइस रहेंगी। लास्ट तीनों मैच में वैल्यू दिया, इनका लास्ट मैच में वैल्यू नहीं मिला, बट ये भी सही चॉइस है, ऐड कर सकते हैं दोस्तों, तीन ओवर तो डाली है ना, तो फिलहाल मैंने बनाया इसको वीसी। फिलहाल ये रहेगा कवरेज, वाइस कैप्टन दोस्तों श्रीनिवासन या सुंदरासन से किसी एक को कर लो, ठीक है, इनको भी कर सकते हो, नॉट बैट, ठीक है। चलो डेथ में कर लेती है, तो इनको मैं ऐड करता हूँ जो डेथ में कर रही है। देखो यहाँ पे आके किन किन का ओवर डेथ में आएगा, सुंदरेशन कहाँ गया, कीर्ताना, एस अनुषा, ये देखो श्रीनिवासन सिर्फ पावर प्ले में है, बाद में नहीं आ रहा है, बट जो एस अनुषा है ना, ये सुंदरेशन है, इनका एक मैच में ना 17-19 ओवर भी आया है, तो इनको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। बट ऑनेस्ट बताऊँ, अनुषा को लास्ट मैच में सिर्फ दो ही ओवर मिला, बट क्या हुआ था लास्ट में जल्दी ओवर खत्म हो, ओपनिंग चेस कर लिया था, फुल मैच होता तो इनको और भी ओवर मिलता, तो चलो इन्हीं के साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिलहाल ये रहेगा टीम, कुछ भी अपडेट आता है इस मैच का, अगले मैच के कवरेज के साथ मिलते हैं हम लोग दोस्तों मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू।